हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन कार गुरुजी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और बहुत ही एक्सक्लूसिव रिव्यू। अगर आप प्रीमियम हैचबैक अंडर 8 लाख परचेज करने का मन बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, व्हीकल सिलेक्ट करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाटा अल्ट्रॉस हैचबैक को परचेज करने के बारे में क्या खास हैं, क्या ये व्हीकल हुंडई i20 एंड मारुति बेलिनो से बेहतर है कि नहीं। सबसे पहले रीज़न बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, टाटा अल्ट्रॉस को ग्लोबल एनकैप 5-स्टार रेटिंग मिली है। गाड़ी में साइड इंट्रूजन बीम्स भी अवेलेबल हैं और बिल्ट अप क्वालिटी आपको बहुत ही शानदार मिलती है, i20 एंड बेलिनो से कहीं ज़्यादा बेहतर। तो दोस्तों, ये पहला बहुत ही सॉलिड रीज़न है अल्ट्रॉस को परचेज करने का। ये इंडिया की फर्स्ट हैचबैक है जिसे ग्लोबल एनकैप 5-स्टार रेटिंग मिली है। सेकंड रॉक सॉलिड रीजन की बात करें तो वो है इसका सस्पेंशन। अल्ट्रॉस का सस्पेंशन स्टिफ साइड पर दिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून्ड किया गया है। अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट सस्पेंशन अल्ट्रॉस देती है। खराब रास्ते, विलेज रोड्स, अनइवन रोड्स और रफ रोड्स में बहुत ही कंफर्टेबल राइड देती है और बम्प्स भी ना के बराबर फील होते हैं। i20, जैज एंड बेलिनो से कहीं ज़्यादा बढ़िया सस्पेंशन आपको अल्ट्रॉस में मिलता है। 165 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस होने के बावजूद इन एंड आउट बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके डोर्स 90 डिग्री तक खुलते हैं। थर्ड रॉक सॉलिड रीज़न है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। तो टाटा अल्ट्रॉस में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड हिल्स पर कॉर्नरिंग करते हुए कॉन्फिडेंस। अल्ट्रॉस का स्टेयरिंग व्हील बहुत ही बढ़िया फील एंड फीडबैक ऑफर करता है, एक्यूरेट अमाउंट का वेट कैरी करता है और अल्ट्रॉस में बॉडी रोल ना के बराबर है। अगर आप हिल्स पर ज़्यादा ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट है। एंड दोस्तों, अगर आप 120 से 140 की स्पीड पर आप हाईवेज पर ड्राइव करते हैं तो आप एक्सीलेंट अमाउंट की स्टेबिलिटी मिलती है आपको एंड बहुत ही आसानी से आप ओवरटेक कर सकते हैं। टाटा अल्ट्रॉस का फोर्थ रॉक सॉलिड रीज़न है इसका ट्रैक्शन। तो दोस्तों, टाटा अल्ट्रॉस में जो एक खास बात है वो ये है कि टायर्स बहुत ही सुपीरियर ग्रिप ऑफर करते हैं। आप वेट रोड्स पर मानसून सीजन में भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया अमाउंट की ग्रिप मिलती है, गाड़ी स्किड नहीं करती। हमने गोवा के बीचेस में भी इस व्हीकल को ड्राइव करा है, वहाँ पर भी टायर्स बहुत अच्छा ट्रैक्शन ऑफर करते हैं। फिफ्थ रॉक सॉलिड रीज़न की बात करें तो वो है सॉफ्ट रोडिंग। तो दोस्तों, अल्ट्रॉस बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैचबैक है, इवन आप इसमें सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि कच्ची सड़कों में जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पॉट होल्स होते हैं, विद फुल कॉन्फिडेंस इसे आप ड्राइव कर सकते हैं कंफर्टेबली, जो कि इसकी राइवल व्हीकल्स ये काम नहीं कर सकती। सिक्स्थ रीज़न है डीजल इंजन। 1.5 लीटर BS6 कंप्लायंट अल्ट्रॉस बेस्ट डीजल इंजन ऑफर करती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इस सेगमेंट, जो कि बेस्ट है फॉर हिल्स एंड हाईवेज। बट पेट्रोल इंजन इज नॉट सो गुड फॉर हिल्स। हिल्स के लिए एक पेट्रोल इंजन इनका बेस्ट ऑप्शन नहीं है, बट पेट्रोल BS6 कंप्लायंट इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए दी बेस्ट है एंड परफेक्ट है। सेवन्थ रीज़न है एक्सटीरियर लुक। अल्ट्रॉस की एक्सटीरियर लुक दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सुपीरियर रोड प्रेजेंस आपको मिलती है। इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ की गई है और अल्फा आर्किटेक्चर मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू मेक अप योर माइंड टू परचेज प्रीमियम हैचबैक अल्ट्रॉस। बट व्हीकल बुक कराने से पहले एक बार फैमिली के साथ टेस्ट ड्राइव जरूर करें, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे इसकी ड्राइविंग।